देखिए सीरियल साथिया में गहना और आनंद का वेलकम हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, स्वागत नहीं करेंगे हमारा स्टाइल में। वो क्या है, एक तो गहना किडनैप हो गई, ऊपर से उनको बिच्छू भी काट गया, यानी कि इन ऑल वो अपनी जान बचाकर वापस पहुंची है घर। तो ऐसे में स्वागत करना तो बनता है। बिच्छू का डंक गहना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अनंत की सेवा चाकरी से गहना एकदम चंगी हो गई और देखिए अपने ससुराल भी लौट आई है। जब गहना और अनंत को एक साथ देखा तो वो कान्हा जी को धन्यवाद करते नहीं थकी और देखिए उसने अपने बेटे और बहू को काला धागा भी बांधा। अनंत के हाथ में काला धागा बांधा तो वहीं गहना के पैर में काला धागा बांधा। तो काला धागा का वो धागा जरूरी होता है, आपकी रक्षा भी करता है और आपको बुरी नज़र से बचाता है। तो वो हनुमान जी का एक्चुअली होता है जो पैरों पे बांधा जाता है लेफ्ट साइड लड़कियों के। तो मैं बिलीव करती हूँ और मैं बांधती भी हूँ। आप? मुझे ये तो नहीं पता कि अब वो सही है या गलत है, बट क्योंकि मेरी मॉम मानती है तो मैं मानता हूँ। ये कहा कि भाई तुम दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। इधर बा के मुंह से ये डायलॉग निकला तो उधर कनक के गाल पर जोर से मच्छर ने काटा। तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगे, कोई बुरी नज़र ना लगे। और कनक भाभी को तुरंत कुछ हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो ही बता रहे कि बुरी नज़र तो उन्हीं की है हमारे ऊपर। अब मानना पड़ेगा मच्छर की भी क्या टाइमिंग थी। समझने वाले तो समझ गए कि इन दोनों के रिश्ते को किसकी नज़र लग सकती है। वही दूसरी ओर गहना और हेमा को देखिए जिनका रिश्ता आज सही मायने में सच में जुड़ गया है, क्योंकि फैशन शो में हेमा का साथ किसी और ने नहीं बल्कि गहना ने ही दिया था। आज हेमा का मानना है कि अपने पति के नजरों में वो अब खास जगह रखती है और ये सब गहना की वजह से हुआ है। यानी कि धीरे धीरे कनक की ओर जो लोग थे अब गहना की तरफ आने लग गए हैं। तो भाई ये बात तो कनक को परेशान करेगी ही ना। और वही दूसरी ओर अब राधिका भी तो है जो घर में डेरा डाल कर रहेगी। न जाने बेचारी गहना को और कितना सहना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम दोनों को किसी की नजर नहीं लगी। ABP News, आपको रखे आगे।